मैं डॉक्टर कबीर खान हूँ और हम लोग एक डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव चलाए हैं। आपने देखा है किस तरह से जो है दिल्ली मुंबई बेंगलोर चेन्नई में अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में कैसी सुनामी आ गया, समझ लीजिए हजारों लोग मर गए, लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं पा पाए, बाहर बाहर मर गए, ऑक्सीजन की पूरे भारत में कमी हो गई और जो है बड़े बड़े शहर बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिनके पास करोड़ों बिलीनियर पन मतलब सौ सौ करोड़ दो दो सौ करोड़ रुपया था उनको भी बेड नहीं मिल पाया और मर गए, ठीक है ना। तो इस बार का कोरोना ऐसा था, अब ये कोरोना गाँव गाँव चला गया है। राजस्थान की हालत तब भी अच्छी है लेकिन हमारे यूपी बिहार में ये हालत हो गई है कि समझ लीजिए कि मेरे अपने गोरखपुर में बता दूं कि हर गांव में 5-7 मौत रोज हो जा रही है। कई गांव ऐसे हो गए हैं जहां पे 50 साल के ऊपर के लोग बचे ही नहीं हैं, समझ रहे हैं। तो और ये जैसे कह रहा है तीसरी वेव आएगी चौथी वेव आए भी, समझ रहे सरपंच जी, आपको ये समझना जरूरी है, आप बताएंगे भी, आप भी लोग समझिए इस बात को। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है ना कि ये बहरूपिया है, वायरस जो होता है अपना रंग चेंज करता रहता है, जैसे हम अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही वायरस अपने आप को चेंज करता रहता है और वो अपना रूप बदलता रहता है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि वैक्सीन एक तो टीका लगवाना सबको है, हालांकि टीके की कमी हो रही है लेकिन आप टीका राजस्थान तब भी नंबर वन पर अभी चल रहा है, तो टीका लगवाइए। दूसरा जो है आपको मास्क पहनना है, टीका लगाने के बाद भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हाथ धुलना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है। ये काम अब कोरोना हमारे जिंदगी का हिस्सा हो गया है। तीसरी वेव भी आएगी, चौथी वेव भी आएगी, पांचवी वेव भी आएगी, छठी वेव भी आएगी, आठवीं वेव भी आएगी, समझ रहे ना। अभी हमारे भारत में दूसरी वेव चल रही है, तो इस वक्त अमेरिका और यूके और यूरोप में तीसरी वेव चल रही है, स्वीडन और कनाडा में चौथी वेव चल रही है, तो ये तो आती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, और मैं जहाँ गांव गांव घूम रहा हूँ तो बेचारे गरीब कह रहे हैं लॉकडाउन में हम भूखे मर जाएंगे, कोरोना से ज्यादा तो हम ऐसे मर जाएंगे, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है और रोटी कैसे खाएगा आदमी, समझ रहे। इसके लिए आप सबको जागरूक होना है, मेन है कि आपको कोरोना के सिम्टम समझ में आने चाहिए क्या है कोरोना। तो अगर आपको सर्दी खांसी बुखार गले में दर्द शरीर में कोई दाना पेट दर्द उल्टी दस्त बदन दर्द हो रहा सर दर्द हो रहा समझ जाइए कुछ गड़बड़ है इस टाइम। कई लोगों में सिर्फ ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ लाल रह रही है, कई बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आंखें लाल रह रही हैं और यही कोरोना हो जा रहा है। तो किसी भी तरीके से वो कोरोना आ सकता है, सिर्फ गले में दर्द हो सकता है, सिर्फ किसी को खांसी आ सकती है, किसी को सिर्फ दस्त, छोटे बच्चों में खासकर जो देखा गया है उल्टी दस्त हो रहा है जी, तो ये किसी भी रूप में आ सकता है। आपको कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कुछ हमको बेचैनी महसूस हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप फौरन जो है टेस्ट करा लीजिए। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है कि 90% केसों में आप घर पे ही रह के ठीक हो सकते हो, समझ रहे हो, घर पे ही रह के जो है आप अगर, और बहुत दवा नहीं खानी है, मैं बार बार कहता हूँ जो डॉक्टर लोग लिख रहे हैं आइवरमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये सब दुनिया के देशों में बैन हो चुकी है, इतनी दवा खानी नहीं है, बुखार की दवा बस खाइए जब बुखार हो 100 डिग्री 99.5 डिग्री, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मल्टी विटामिन खा सकते हैं। मेन जब कोरोना को हराने का 3 मंत्र है जान लीजिए, एक तो रेस्ट लेना है, घर पे आराम से टीवी देखिए लेटे रहिए आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को थोड़ा टहल लीजिए बस। दूसरा जो है खूब पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि हर 3-4 घंटे पे पिसा हो, इतना पानी पीना है। और तीसरा है कि फल फूल फ्रूट्स खाना है और दवा के नाम पे सिर्फ बुखार की दवा पर इस्तेमाल है, ठीक है, इतना है। चौथी चीज बताना चाहूंगा कि क्या क्या खतरनाक साइन है, कब आप डॉक्टर के पास पहुंचे।
तो जैसे कहा जा रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में इतना सेचुरेशन कम हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो हर किसी के पास वो मशीन है नहीं पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है ना। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका सेचुरेशन कम हो रहा है, उसके लिए आपको 6 मिनट तक ऐसा ऐसा चलना है, 6 मिनट तक तेजी तेजी से समझ रहे चलना है। अगर आप 6 मिनट तक घड़ी देख के तेज तेज चल ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपका लंग जो है तंदुरुस्त है, आपका दिल जो है ठीक है। लेकिन अगर 3-4 मिनट में ही आप हंसने लग रहे हो, बैठना पड़ रहा है, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा मुंह खोल के सांस लो और रोक के रखो। अगर 25 से 30 सेकंड से ऊपर अगर आप रोक सकते हो तो समझ लीजिए आपका लंग ठीक है, आपका श्वास ठीक है। अगर 10 मिनट में करना पड़े तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। तो ये देसी तरीका है पहचानने का कि सिचुएशन कैसे हो रहा है। बाकी बुखार बहुत आ रहा है, 102 103 आ जा रहा है आपको, जो है क्या कहते हैं, सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है, टॉयलेट जाने में भी आप हाँफने लग रहे हो, बात कर रहे हो तो हाँप रहे हो, शरीर में लाल लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर को दिखा दीजिए। खत्म करूंगा बात एक चीज से और, जो आपने इस वक्त अखबारों में पढ़ रहे होंगे काला फंगस, ब्लैक फंगस जो आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो ब्लैक फंगस के बारे में ये बता दूं कि ये ब्लैक फंगस सबको नहीं होता है, एक दूसरे से नहीं फैलता है, जैसे कोरोना जो है एक दूसरे से फैल रहा है सांस से ना, वैसा नहीं होता है। मतलब अगर इनको हुआ है अगर ब्लैक फंगस और हम इनके साथ बैठे भी रहेंगे तो हमको नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस जो होता है ये पूरे वायु में है, एनवायरनमेंट में है उनका। जैसे जैसे सरसों का पॉलन देखे ना, सरसों जब सरसों की खेती होती है तो पीला 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 पीला, ऐसे ही जो है फंगस पे स्पोर होते हैं, गोल गोल होते हैं, समझ लीजिए टेनिस की बॉल की तरह, और वो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, इतने छोटे होते हैं, वो करोड़ों की संख्या में पूरे है। इस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास है, लेकिन भगवान ने ऊपर वाले ने अल्लाह ने ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे ही हमारे शरीर में घुसते हैं हम उनको मार देते हैं, हमारे सैनिक जो हमारे सैनिक शरीर में है। लेकिन कुछ लोगों में जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको जो है क्या कहते हैं जो कोरोना हुआ है उसमें जो ऐसी दवाएं यूज की जा रही हैं जो आपकी इम्यूनिटी के यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, उस टाइम वो अटैक कर देता है। जैसे स्टेरॉइड जो है मतलब जो लोग दे रहे हैं, जैसे डेक्सामेथासोन देते हैं, पिडनीसोलोन देते हैं, मिथाइल पिडनीसोलोन देते हैं, इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग्स जैसे हैं इटो सिलिजुमैब वगैरह, अगर आप सोशल मीडिया देखते हो अरे ये ड्रग चाहिए, हाई दवा चाहिए जो 10,000-20,000 की है, तो वो सब दवा की वजह से हो जाता है ब्लैक फंगस, और बहुत खतरनाक है, समझ लिया। अगर हो गया तो आपकी आंख निकालनी पड़ सकती है, आपका ये पूरा ये घुसता है नाक से और ये जो स्पोर्स होते हैं उससे ही आपका ये पूरा आधा चेहरा काटना पड़ सकता है, और ब्रेन में घुस गया तो समझ लीजिए तो मौत ही हो जाती है। तो इस वक्त भारत जो है कई त्रासदी से घूम रहा जूझ रहा है, पहला ये कि कोरोना, दूसरा ये कि बेरोजगारी, लॉकडाउन, गरीबी, तीसरा ब्लैक फंगस भी आ गया, चौथा जो है ये कोरोना आ गया तो नॉर्मल बीमारी तो खत्म हो गई, बच्चे को डायरिया उल्टी तो हो ही रहा है, निमोनिया तो हो ही रहा है, जिसको हार्ट का भी प्रॉब्लम है वो तो हार्ट का प्रॉब्लम हो ही रहा है, जिसको जो है डायलिसिस चाहिए, जिसको जो माँ मतलब बनने वाली है प्रेगनेंसी है डिलीवरी है वो होना है होना है, तो वो सब तो बंद नहीं ना हुआ है, समझ रहे हैं, तो वो सब भी बीमारियां हैं। तो आपको अपना खुद सुरक्षित रखना है, हाथ धुलते रहिए, मास्क पहनते रहिए, हम आपको जो है आप लोग को सारी चीजें देंगे, थर्मामीटर भी देंगे सबको, आपको सीखना होगा जो है। सरपंच जी आप भी साथ में आइए, ये कंप्यूटराइज थर्मामीटर है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, आपको बताते हैं कैसे देखना है, लीजिए पकड़िए उसका कैप,
मैं आपको दूंगा दूंगा सब बता दे कैसे देखना है। देखिए ये इसका बटन होता है, ऐसे दबाना है और जब इसमें 95-96 लिख के आ जाए समझ लीजिए कम हो गया है। अब बस यहाँ पे लगा लीजिए या मुंह में रख लीजिए, आपको खुद ही टू 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 की आवाज आएगी, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही टू 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 की आवाज आए आप समझ जाइए कि ये इसने रीड कर लिया है। अगर 99.5 100 लिख के आएगा तभी बुखार समझिएगा, 99-98-97 बुखार नहीं है। ठीक है, समझ गए। अभी देखिए इस वक्त इतना धूप है कि ये थर्मामीटर ऐसे ही 102 पर है, इतना इतना ज्यादा गर्मी है इस वक्त। गर्मी में तो बताएगा ना जी अपने हाँ, तो इसलिए जो है जो अगर अगर ऐसे इतना गर्मी में आपको अगर ऐसा हो तो पहले पानी खूब पी लीजिए, पंखे के नीचे बैठ लीजिए, चाहे तो नहा लीजिए और फिर भी फिर ना पिएगा फिर भी बुखार है तब दवा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जब टू टू आवाज आ जाएगी तो देखिए कितना लिख के आ रहा है, 101 लिख के आ रहा है, इतना है तो 100 के ऊपर होगा तभी बुखार होगा और इसको उसके बाद बंद कर देना है, नहीं तो ये तो बैटरी इसकी चली जाएगी भाई। ये बैटरी जो है 2-3 साल चलती है। एक घर में एक आदमी, सबको देखना समझ में आ गया है ना। आप देख लीजिए भूल जाऊंगा पानी मिल जाएगा थोड़ा सा पानी, हाथ धो पानी यहाँ कहीं मिल जाएगा, एक बार पानी दे दीजिए। हम आपको देने ही आए हैं, सरपंच जी ने बुलाया है आपके लिए ही बुलाया है। आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क तो कहाँ गया जी, मास्क सबसे पहले तो मास्क को बांटूं। ये 5 है, ये पहन के फेंकने वाला है मास्क, मास्क पहने सबसे पहले तो इनको दी, मास्क पहने, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, आपके ऊपर तो 1000 रुपये का फाइन लगेगा।